दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड जीके पोएम के अंतर्गत झारखंड के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको जेपीएससी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति एवं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से रूबरू करवाना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा झारखंड और जेपीएससी से रिलेटेड कंप्लीट एंड यूनिक कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। झारखंड जीके पार्ट 3 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस सेशन की शुरुआत लास्ट सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में ये जो 10 क्वेश्चन है, इसका देने का मेन टारगेट ये है कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ सकें, एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को के नेचर को समझें, ताकि ये पता चल जाए कि कौन कौन सा सेक्शन अच्छी तरह से पढ़ना है, कौन कौन सेक्शन में क्या क्या टॉपिक छूट रहा है। जब आपका पढ़ाई करने का तरीका और पढ़ने के लिए सोर्स ये सही रहता है ना, तो क्वेश्चन छूटने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आइए लास्ट सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से आगे बात करते हैं। लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन था, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाघ होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित पतरातु ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, फ्रांस। दोस्तों, झारखंड में स्थापित पतरातु ताप विद्युत संयंत्र सोवियत यूनियन के सहयोग से बना था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी सोवियत यूनियन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन वन है राढ़ू नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राढ़ू नदी है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, 372 किलोमीटर, 396 किलोमीटर, 402 किलोमीटर। दोस्तों, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। ऑप्शन ए 380 किलोमीटर राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी आएंगे। आपको इस क्वेश्चन का नेचर समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन सब, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, कर्मा क्या है? एक लोकगीत, लोकनृत्य, जनजाति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, झारखंड में कर्मा एक लोकनृत्य है। यह झारखंड का लोकनृत्य है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी लोकनृत्य राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फाइव है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सैल बालाराई, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सैल बालाराई होगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन नंबर वन महादेव, ऑप्शन टू विष्णु, ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन है गणेश, और लास्ट ऑप्शन है श्री राम। दोस्तों, मंडा पर्व का संबंध महादेव शिव से है। ऑप्शन ए महादेव राइट आंसर होगा। आज का सातवां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। दोस्तों, झारखंड में 5 प्रमंडल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। राइट आंसर ऑप्शन ए पलामू होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं,
किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आया है, आपको नदी संबंधी उत्पत्ति कहाँ है, किस पर कौन सा डैम है ना, कहाँ से कहाँ बहती है ना, उसका वितरण किस किस क्षेत्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फल्गु, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी। राइट आंसर ऑप्शन ए फल्गु होगा। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों आठवां प्रश्न है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैमक, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी विलिंगटन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कैमक होगा। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैमक के नेतृत्व में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उधवा जल पक्षी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लातेहार। दोस्तों उधवा जल पक्षी आश्रयणी साहेबगंज जिले में अवस्थित है, सो ऑप्शन ए साहेबगंज इस प्रश्न का सही उत्तर हो। दोस्तों अब समय है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, महुआ टार भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी कोडरमा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेशन का आंसर जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।